हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं अनडिजायरेबल मैरिज का एपिसोड नंबर 55। दर्श वंशिका के खुद से दूर जाने के ख्याल से ही घबरा गया और इसलिए बिना सोचे समझे या देर किए वंश के कैबिन की तरफ बढ़ गया। फिर उसके कैबिन के बाहर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया तो वंश अंदर से बोला, कम इन। जिसे सुनकर वो अंदर आया और आते ही उसने वहां बहुत सारे बुके का ढेर देखा, जिसे देख वो एक नजर वंश को देख अजीब तरीके से बोला, कंपनी के इतने बुरे दिन आ गए क्या भाई कि फूलों की दुकान खोलनी पड़ी, और अपनी कही इस बेकार सी बात पर खुद ही हंसने लगा। लेकिन कुछ पल बाद उसने वंश और रेवा को खुद को घूरता पाया तो उसे चुप होना पड़ा और फिर वो अपने गले को साफ करते हुए वंश की ओर बढ़ गया। उसके बाद वहां रखी कुर्सी पर बैठ टेबल पर रखा पानी का ग्लास लेकर एक ही सांस में खाली कर वंश की ओर देखने लगा, जिसे देख वंश को थोड़ा अजीब लगा लेकिन वो बोला कुछ नहीं। वही रेवा भी दर्श की इन अजीब हरकतों को नोटिस कर रही थी। तभी दर्श एक गहरी सांस लेते हुए वंश की ओर देखकर बोला, देख मैं वैसे ही बहुत ज्यादा नर्वस हूँ, मुझे नहीं पता मैं बोल पाऊंगा या नहीं, इसलिए मेरी पूरी बात सुनना, उसके बाद ही कोई किंतु परंतु या अपितु लगाना। और ये कहते हुए एक गहरी सांस छोड़कर बोला, जिस दिन दादी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी और वंशिका हमारे साथ हमारे घर गई थी, उस दिन मैंने उसके और रिवा के बीच हो रही बातों को सुन लिया था और मुझे पता चला कि वो मुझसे प्यार करती है, जिसके बाद मुझे बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन उसके बाद जिस दिन तूने मुझे रियलाइज करवाया कि मुझे भी उससे प्यार हो गया है, पर जाने कब हुआ कैसे हुआ ये मैं नहीं जानता, उस दिन से मेरी फीलिंग और नजरिया उसके लिए बदल गया है। और आज सुबह तूने जिस तरह मजाक में उसकी शादी की बात कही, मैं थोड़ा सा डर गया, इसलिए तुझे बताने आया हूँ कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, अगर तुझे एतराज ना हो तो, क्योंकि वो बहुत डरती है, वो बता नहीं पाएगी और इस चक्कर में क्या पता उसकी डोली किसी और के घर चली जाएगी, और ये सच हो मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने ये बात उसे भी नहीं बताई कि मैं उससे प्यार करने लगा हूँ। मैं चाहता था कि तेरी और बाकी सबकी रजामंदी मिल जाए, तभी उसे कुछ बताऊंगा। और ये कहते हुए उसने एक और गहरी सांस छोड़ी। वही वंश और रिवा बस अबाक से उसे देख रहे थे और अभी जो उसने कहा उस पूरी रामायण को समझने की कोशिश कर रहे थे। तभी वंश रिवा की ओर देख एक सवाल करते हुए बोला, क्या ये जो बोल रहा है वो सच है? क्या लाडो ने तुमसे इस बारे में कुछ कहा था? तो रिवा भी सच बताते हुए बोली, जी हाँ उसने मुझसे कहा था, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि मैं आपको या किसी और को बताऊं, क्योंकि वो आप लोगों की दोस्ती के बीच नहीं आना चाहती थी, ना ही आपको चोट पहुंचाना चाहती थी अपनी इस बात से। कहीं ना कहीं वो इस बात से डरती थी कि अगर उसने दर्श भाई से इजहार किया तो क्या पता उसे इनकार का सामना करना पड़े और उसका दिल टूट जाए। उसकी इस बात को सुनकर वंश एक गहरी सांस लेते हुए अपने मन में बोला, इनकारे इश्क के दर्द के डर को एक आशिक के अलावा और कौन ही समझ सकता है, इसलिए उसे भी ब्लेम नहीं कर सकता। और फिर दर्श की तरफ देख उससे बोला, देख तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं तुझे बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि तुझसे बेहतर मेरी बहन के लिए कोई हो नहीं सकता, लेकिन मैं अकेले इस बात का फैसला नहीं ले सकता। मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं, पर दादी से भी एक बार बात करनी पड़ेगी, उनकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद भले से तू लाडो को सब बता देना। जिसे सुन दर्श की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो झट से खड़े होकर उसकी तरफ आते हुए उसके गले से लग गया। वहीं रिवा भी उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश थी और अपने मन में बोली, हे खाटू श्याम जी, वंशिका की जिंदगी से ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हटा दी आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अब बस उसकी जिंदगी में खुशियां ही भरिएगा। फिर दर्श की तरफ देखते हुए बोली, इन्हें बताने की प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर दी, पर अब दादी की टेंशन आप लोग मत लीजिए, उन्हें मैं देख लूंगी, उनसे कैसे बात करनी है वो मुझे पता है, अब तो आप बस इनकी लाडो को प्रपोज करने की सोचे कि कैसे करेंगे, आखिर इतने साल का इंतजार किया है उसने आपका, तो आपका इतना तो हक बनता है कि आप उसे एक प्यारा सा वेडिंग प्रपोजल दे। तो ये सुनकर दर्श भी मुस्कुराते हुए बोला, बिल्कुल मैं ये सोच लूंगा कि क्या करना है और बाकी चीजें तुम्हारे हवाले छोड़ रहा हूँ, निराश मत करना अपने इस प्यारे से भाई को। अब मैं चलता हूँ, वो उठने वाली होगी वरना फिर हजार सवाल करेगी कि कहाँ गया था क्या कर रहा था, उसे सोता छोड़कर यहाँ तुम लोगों से बात करने आया था। और ये कहते हुए बिना एक पल गवाए वो उनके कैबिन से निकलकर अपने कैबिन की तरफ आ गया, जहाँ वंशिका अभी दुनिया जहाँ से बेखबर आराम से सो रही थी। ये देखकर दर्श खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया और वापस अपने काम पर लग गया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर कुछ वक्त बीतने के बाद वंशिका की पलकें फड़फड़ाने लगी और जैसे ही वो जागी वो अपनी आंखें मलते हुए अलसाई आवाज में बोली, कितना वक्त हो गया मुझे सोए, मैं कब सोई थी? जिस पर दर्श अपने लहजे में थोड़ा सा गुस्सा झलकाते हुए उससे बोला, पूरा एक घंटे से ज्यादा हो गया है मैडम, और इस बार छोड़ रहा हूँ क्योंकि कल काफी लेट हो गया था हम सबको, लेकिन अगली बार से ऐसी हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, सो नाउ गेट बैक टू योर वर्क। और ये सुनकर वंशिका सबसे पहले तो वॉशरूम जाकर अपना मुंह धोकर आई और सीधे काम पर लग गई, क्योंकि उसे डांट सुनने का कोई शौक नहीं था। वही इस तरफ
अब लगभग शाम होने को आई थी, लेकिन बुके का सिलसिला नहीं थमा था। आखिर में ऑफिस से जाने से पहले वंश ने एक बहुत बड़ा सा बुके मंगवाया। इस बार बुके आया, लेकिन वो वंश की टेबल पर रखा गया, जिसे वंश खुद रिवा के पास लेकर आया और घुटनों पर बैठकर उसे देते हुए बोला, इसमें व्हाइट, रेड और येलो तीनों रंग के रोजेज हैं। सफेद इस झगड़े को खत्म करने के लिए, येलो फिर से दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए, और लाल जितना भी वक्त हम साथ हैं प्यार से दोस्ती से रहें इसके लिए। प्लीज इसे एक्सेप्ट करो और मुझे माफ कर दो। आई एम रियली वेरी सॉरी। और ये कहते हुए वो उसी तरह बैठे रिवा को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। क्या लगता है आपको, क्या जवाब होगा रिवा का? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।